हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे करंट अफेयर्स 1 मई 2020 के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। डेली करंट अफेयर्स के तहत सुबह आपकी 6 बजे वीडियो आती है ये। यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के तहत कुछ क्वेश्चंस, इनकी PDF फाइल्स आप इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप PDF फाइल्स प्राप्त कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक पेज जो है उसे भी आप लाइक करना ना भूलें, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। सवाल पहला यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हाल ही में लिवरपूल के पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन जो है कितने वर्ष की आयु में हुआ है, 51, 61, 71 या फिर 81। यहाँ पर बता दें, हाल ही में आयरलैंड और लिवरपूल के जो है पूर्व खिलाड़ी माइकल रॉबिन्सन का निधन 61 ईयर्स ऑफ एज कह सकते हो आप, यानी 61 वर्ष की आयु में हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में किसने हुडको के नए यहाँ पर CMD पद का जो है पदभार संभाला है। नाम लिखा है आपका शिवदास मीणा, यहाँ पर मल्लिकार्जुन राव हैं, विरूपाक्ष मिश्रा हैं और अजय महाजन। आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो हुडको करके आप बोलते हो, यह है आवास और शहरी विकास निगम का जो नया CMD बनाया गया है वो शिवदास मीणा को बनाया गया है, ठीक है। इसकी जो आवास और शहरी विकास निगम है, इसकी स्थापना हुई थी 1970 में और इसका जो मुख्यालय है यानी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। आगे इसमें, हाल ही में NTPC ने किस राज्य में हाइड्रोजन कार और बस लाने की परियोजना शुरू की है, ले है नई दिल्ली आपका या फिर दोनों होगा इसमें या फिर इनमें से कोई नहीं। तो NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की जब आप बात करते हो, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड बोलते हैं इसे। इसने लेह और नई दिल्ली में हाइड्रोजन बस और कार लाने के लिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी EOL करके यहाँ पर लिखा हुआ है लाने की घोषणा की है। NTPC की जो स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को हुई थी, जो हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में है। और अगर मैं मौजूदा अध्यक्ष और MD की बात करूं जो इस समय है वो है गुरदीप सिंह जी। आगे इसमें, हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ में समझौता किया है, तो यहाँ पर जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल है, इनमें से कोई नहीं, वो है एयरटेल। हाल ही में एयरटेल ने अपनी नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के लिए नोकिया के साथ में समझौता किया है। $1 बिलियन का ये समझौता है और इस समझौते पर दोनों कंपनियां जो है वो 9 सर्किलों में नोकिया के SRAN सॉल्यूशन जो है स्थापित करेंगे। ऐसे में भारतीय एयरटेल के जो MD और CEO हैं वो हैं गोपाल बिठल और नोकिया के MD CEO जो हैं वो हैं राजीव सूरी। ये चीज़ भी आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों के जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर और ऐसे में जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जब आप बात करते हो तो कौन है, वो चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, यानी कि MD एंड CEO। किस बैंक ने हाल ही में स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स SHG बोलते हैं इसे, उसके लिए विशेष ऋण सेवा शुरू की है, PNB है, इंडियन ओवरसीज बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक है। हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक ने COVID-19 के कारण उत्पन्न कठिनाइयों का समाधान करने के लिए स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG का विशेष जो है ऋण सेवा जो है वो शुरू की है। हाल ही में इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एजेंसी ने भारत की GDP घटा करके कितने प्रतिशत कर दी है, 2.5 या 1% तो 1.9% कर दी गई है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने जो भारत की GDP है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जब आप ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हो, वो 1.9% कर दी है। और यहाँ पर जल्दी ही जो है घोषणा की गई है COVID-19 के चलते पिच ब्लैक 2020 युद्ध अभ्यास जो है रद्द किया गया, किसके बीच था तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाला जो युद्ध अभ्यास था पिच ब्लैक 2020 उसको रद्द कर दिया गया है और ये जो निर्णय लिया है COVID-19 के चलते जो है फिलहाल के लिए लिया गया है। हाल ही में झुमा खातून डोप टेस्ट में फेल होने पर जो है उन पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा है, तो यहाँ पर 4 साल का प्रतिबंध लगा है। आप देख पा रहे होंगे ये हैं आपकी भारत की मध्यम दूरी की जो धाविका झुमा खातून करके हैं, डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगा है और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है वो एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, 26, 27, 28 या 29 अप्रैल को। यहाँ पर 29 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। आप देख पा रहे होंगे 29 अप्रैल 1982 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसका आयोजन जो है यहाँ पर रिफॉर्मर जीन जॉर्ज नोवेरे के जन्म के रूप में किया जाता है। दोस्तों आज 1 मई है, विश्वभर में आप वर्ल्ड लेबर डे मनाते हो, ध्यान दीजिएगा, श्रमिक दिवस के नाम से आप इसे जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आज आप मनाते हो श्रमिक दिवस, ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा 1 मई को प्रतिवर्ष में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है यहाँ पर, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है,
28, 29, 30 या 26 अप्रैल को। कमेंट में आप जो है ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। साथ में इसकी पीडीएफ फाइल्स के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर जुड़े रहें, पीडीएफ फाइल्स वहां पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी। वीडियो को लाइक और शेयर आप ज़रूर कर दीजिएगा अगर कुछ अच्छा लगा हो तो। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।